आंखों में धुंधला दिखाई देने के बहुत सारे कारण हैं। अगर मैं सही मायनों में बोलूं, तो आंख जो है आपके सामने ये एक तस्वीर है जिसमें आंखों की विभिन्न परतों का विस्तृत वर्णन किया गया है ये आप देख सकते हैं इसमें आगे से पीछे तक हर लेयर में हमारे कम दिखाई देने या धुंधला दिखाई देने की वजह छुपी है अगर हमें आगे की सब आंखों के सबसे आगे की लेयर को कॉर्निया कहते हैं अगर इस लेयर में किसी भी तरीके का इंफेक्शन हो जाए किसी भी तरीके का इंफ्लोमेशन हो जाए तो यह इस लेयर से हमें धुंधला दिखाई देने लगेगा और चूंकि यहाँ से धुंधला दिखेगा तो पीछे के सब जगह से हमें धुंधला दिखाई देने लगेगा अब आते हैं लेंस लेंस में किसी भी तरीके का धुंधलापन या मोतियाबिंद हमारे धुंधला दिखाई देने की वजह हो सकता है मोतियाबिंद एक ऐसी चीज है जो मेरे हिसाब से भारत में नियरली हर इंसान मोतियाबिंद तो समझता है लेकिन आंखों में बाकी और भी जो लेयर्स हैं इनमें भी किसी भी तरीके का आपका बीमारी या कोई दिक्कत आपके आंखों में धुंधला दिखाई देने की वजह हो सकती है जैसे ये आयरस इस आयरस कई सूजन जिसे हम कहते हैं वह अगर हो जाती है किसी भी वजह से तो वो अब उस कंडीशन में भी मरीज को धुंधला दिखाई दे सकता है फिर हम आते हैं ये पीछे के स्तर पे अगर ये जो खाली एरिया है जहाँ पे एक जेल जैसा पदार्थ होता है जिसे हम विट्रेस कहते हैं यहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो जाए तो भी हमें धुंधला दिखाई देगा जिसे हम विट्रेस हेमरेज कहते हैं फिर हम आते हैं ये पर्दे पे रेटिना से संबंधित कोई भी बीमारी जैसे डायबिटिक रेटनोपैथी हाइपरटेंसिव रेटनोपैथी एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन ये सब कुछ ऐसी बीमारियां हैं पर्दे की जो आपके धुंधला दिखाई देने की वजह हो सकती है कॉर्निया भी ठीक है लेंस भी ठीक है यहाँ भी ठीक है बट रेटिना आपका सही नहीं है तो आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा फिर आते हैं इस नस पे इसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं ये ऑप्टिक नर्व जो है आपकी आंखों को दिमाग से कनेक्ट करती है इस नस की एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसको हम लोग ग्लोकोमा कहते हैं या काला मोतिया ग्लोकोमा के मरीजों को भी समय के साथ जब ये आंख की नस कमजोर होने लगती है तो धुंधला दिखाई देने की समस्या हो सकती है यहाँ पे जो धुंधला आपको दिखाई देगा वह इवर्सिबल मतलब ग्लोकोमा से जाने वाली रोशनी वापस नहीं आ सकती बाकी और सब बीमारियों में आपका इलाज करके आपकी चीजों को ठीक किया जा सकता है लेकिन ग्लोकोमा यहाँ जहां नस जो है हमारी डैमेज हो रही है उस बीमारी से आपको वापस नहीं लाया जा सकता या विभिन्न प्रकार की बीमारियां और इससे यह एक बहुत छोटा सा मैंने एक वो दिया है लेकिन इसमें से किसी भी लेयर की कोई भी बीमारी आपकी आंखों में धुंधलापन धुंधला दिखाई देने की वजह हो सकती है इसलिए अगर आपको आंखों में धुंधला दिखाई दे रहा है तो कृपया जा कर के अपने आस पास के किसी भी आँख के विशेषज्ञ को अपनी आंख दिखाएं और उसपे उनकी सलाह जरूर ले लें